हेलो गाइस ऑन माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, तो आगे भी बढ़िया रहना और उम्मीद है आप बढ़िया रहेंगे। तो आज हम लोग AWM का मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि हम डबल स्नैपिंग कैसे करें, मतलब डबल AWM या कोई भी Kar98 हो गया, M82B हो गया, तो आप डबल स्नाइपर कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज मैं इसी का टिप्स एंड ट्रिक्स, और बहुत इजी है, और आप जब AWM का ये टिप्स अगर आप समझ गए और आप चलाना सीख गए तो मतलब बंदा सामने वाला का मतलब फट जाएगी। तो चलते हैं, अपना AWM और M82B दोनों स्नाइपर ले लिया। तो अगर कभी भी आपको AWM और या M82B अगर दोनों मिलता है तो अब डबल AWM चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्लू वॉल का पीछे भी बंदा रहेगा तो आप M82B से आराम से मार सकते हैं। तो आप देखिए मैं कैसे डबल स्नाइपर चला रहा हूँ, वो भी बिना रीलोड का। तो इस तरह आप AWM चला सकते हैं। तो स्नाइपर चलाने के लिए आपको बहुत बेस्ट टिप्स है। तो देख सकते हैं मैं मारा, तो मतलब अचानक मैं स्नाइपर चेंज नहीं किया तो इससे रिलोड हुआ। मतलब रिलोड होने का मतलब एक बंदा को, एनिमी को सामने में टाइम मिल जाता है कि आपको मारने का। तो आप कभी भी स्नाइपर को कभी रिलोड पर मत रखिए। तो जैसे भी मैं जैसे फायर कर रहा हूँ, फिर गन स्विच करें, फिर फायर, फिर गन स्विच। हाँ, अगर आप होल्ड एंड स्कोप करके रखेंगे, मैं आगे का वीडियो में थोड़ा बताऊंगा, आप होल्ड करके मारें तो आपका अचानक मतलब स्कोप भी खुल जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं होल्ड करके मार रहा हूं दोनों स्नाइपर को। तो इसी तरह का ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप मैं एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे कि आपका नॉर्मल है AWM स्नाइपिंग, तो आपको होल्ड फायर टू स्कोप में मतलब आपको रखना है। तो ये इससे क्या होगा कि आप जैसे भी अगर आप फायर बटन को क्लिक करते हैं तो उसमें हो आराम से आपका स्कोप खुल जाएगा। होल्ड कीजिएगा, दबाए रखिएगा और अचानक जैसे बंदा पे एम जाता है आप छोड़ दीजिए उसी वक्त, और उसका बाद दूसरा स्नाइपर मतलब तुरंत मतलब दूसरा मतलब गन ले लीजिएगा। तो गलती से इधर उधर निकल जाता कोई बात नहीं। तो मैं देखिए सकते हैं मैं शॉर्ट रेंज में भी बंदे को आराम से मार सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, और ट्रेनिंग मोड सबसे बेस्ट रहता आपको स्नाइपर चलाने के लिए। अगर आप स्नाइपर चलाना सीख भी गए तो आप ट्रेनिंग मोड में मतलब डेली मतलब कम से कम 5 मिनट ऐसे करके 5 या 3-4 मिनट का वक्त ले लीजिए स्नाइपर चलाने के लिए, तो आपका मतलब हाथ बैठा रहेगा। तो यही है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मेरा अभी फ़ोन मतलब थोड़ा लेग कर रहा, मतलब थोड़ा क्या मतलब थोड़ा अच्छा से खेल भी नहीं पा रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैंने कितने इजी तरीके से डबल स्नाइपर से किल कर दिया। तो आप इसी तरह आप मार सकते हैं। तो मैं हमको भी पहले मतलब AWM बिल्कुल नहीं चलाने आता था, मैंने इसी तरह से मैंने AWM चलाना सीखा डबल स्नाइपर। तो मैं भी टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा फॉलो किया, तो मेरे को भी जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो मतलब लाइक मार दीजिएगा, और इससे हमें बहुत मोटिवेट मिलेगा। तो हम लोग का चैनल जस्ट न्यू है, तो इस चैनल को आप लोग पूरा बहुत सपोर्ट दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट अगर कमेंट करना चाहते तो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको लगता है कि आपको इस टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो अच्छा लगा, आगे भी मैं लाने वाला ज़्यादा हार्ड भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं। अगर आपको ग्लोअल अगर जल्दी मतलब फायर करके तुरंत अगर आपको ग्लोअल लगाना है तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे चला रहा हूँ AWM। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है M82B और AWM का। तो आप चलाइए और
आप देख सकते हैं कैसे मैं इजी तरीके से ग्लूवॉल का आर पार बंदा को मार दूंगा। तो इजी तरीके से मैंने मार दिया बंदे को। तो यही होता है कि M82B और AWM का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट होता है। तो इससे इस तरीके से आप मतलब एनिमी को बहुत इजी तरीके से मार सकते हैं, लॉन्ग रेंज में आराम से एनिमी को आप मार सकते हैं। और AWM का ऐसे भी शॉट 150 का, अगर आपका पास स्किन होगा तो तब तो सामने एनिमी को मरने में ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा और कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए। और हाँ, एक दिन में आप AWM चलाना नहीं सीख सकते, आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा और इसी तरह का मतलब मूवमेंट थोड़ा बनाना पड़ेगा कि AWM, तो आप खुद का खुद सीख जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, होल्ड करके फायर करके गन स्विच करके आपको एनिमी को मारना है। तो यही सब है। तो आपको कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना, लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकन को मतलब ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको कॉमेडी वीडियो भी चाहिए तो मैं उसके लिए भी ला दूँगा। अगर कोई एक या दो बंदा भी कमेंट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कीजिए आराम से और इस चैनल को पूरा सपोर्ट दिखाइए। और इस चैनल को हम लोग बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो क्या यार, लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। तो इसी तरह